मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानक सिया शेयर के बारे। आज हम लोग 3 आवर के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट तक एनालाइज करेंगे और जानेंगे इस शेयर का टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड आप लोग को ट्रेडिंग करने नहीं आता है तो आप लोग मेरे ग्रुप में ऐड होकर ट्रेडिंग सीख सकते हैं फ्री में। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा 78 रुपया 30 पैसा। इसका सेकंड टारगेट होगा 82 रुपया 5 पैसा। इसका थर्ड टारगेट होगा 86 रुपया। ठीक है फ्रेंड, 86 रुपया 10 पैसा। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 74 रुपया 25 पैसा और इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 70 रुपया 50 पैसा। इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 62 रुपया 70 पैसा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे डे कैंडल पे। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 81 रुपया 95 पैसा। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 87 रुपया 90 पैसा। थर्ड जो टारगेट होगा 97 रुपया 70 पैसा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 72 रुपया 60 पैसा। 72 रुपया 60 पैसा। इसका सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 67 रुपया 65 पैसा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड स्टॉप लॉस की। तो इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 62 रुपया 80 पैसा। अब हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 91 रुपया का। सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 103 मतलब 103 और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 126। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 69 रुपया 50 पैसा। इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 56 रुपया 60 पैसा। इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 35 रुपया 10 पैसा। ठीक है फ्रेंड, वीकली और मंथली कैंडल का टारगेट और स्टॉप लॉस सेम है फ्रेंड। अब हम लोग देखेंगे इसको टेक्निकली और उसके बाद इसका फंडामेंटल्स देखेंगे। तो मैं MACD को सेट करता हूँ और RSI को। तो MACD वीकली कैंडल से देखना स्टार्ट करते हैं। MACD देखिए अभी तक बुलिश पैटर्न बना रहा है। ठीक है, डाउन आने के चांसेस हैं बट जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। और RSI आपका 66 पे है। MACD जो है आपका वीकली कैंडल पे भी RSI वीकली कैंडल पे भी 66 पे है। MACD बुलिश है, अभी तक बेरिश सिग्नल नहीं है एक भी। डे कैंडल पे बेरिश सिग्नल है। अगर यहाँ पे अगर ये क्रॉस ओवर बनाता है MACD तो यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा सबके लिए। एग्ज़िट लेना ही सही रहेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना है जिनको हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद फिर जब दोबारा मौका मिलेगा तो फिर से एंट्री ले लेना है स्टॉप लॉस के जगह पे। अब हम लोग इसका फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स की बात करें तो एक मंथ में देखिए इसने 24% का रिटर्न दे रहा है और एक साल में इसने 41% का रिटर्न दे रहा है दिया है। बाउंड वीक के हाई की बात करें तो 82.45 का इसने हाई बनाया। बाउंड वीक लो की बात करें तो 48 रुपये का इसने लो बनाया।
मार्केट कैप की बात करें तो 503 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की बात करें 28.3 के इसका शेयर होल्डर्स है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ की, तो इसमें 18 दिन पुराना न्यूज़ है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके पिछले ट्रेडिंग डे का हाल चाल। तो पिछले ट्रेडिंग डे में पिछले प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका था, इसका वो था 76.80 रुपया। उसके बाद मार्केट ने ओपनिंग किया, गैप डाउन ओपनिंग किया, देखिए 75.80 रुपया पे ओपनिंग किया है। इसने हाई बनाया 78.95 रुपया का और लो बनाया 75.50 रुपया, मतलब जहाँ पे ओपन किया वहीं से ये उठना स्टार्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड, मार्केट ने पिछले दिन 1% का रिटर्न दिया है और 77.60 पे इसने क्लोजिंग किया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।